भारतीय संविधान हम सभी के लिए बहुत सम्मानजनक ग्रंथ है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि भारतीय संविधान को एक बहुत सरल काव्य के रूप में भी लिखा गया है, जिससे यह जन साधारण की समझ में आसानी से आ सके। इस रचना को संविधान काव्य का नाम दिया गया है। इसके रचनाकार हैं श्री सुनील कुमार गौतम, जो कि एक आईपीएस अधिकारी भी हैं। संविधान काव्य में 238 पद हैं, जिनमें संविधान के हर भाग व अनुच्छेद के मूल भाव को समाहित करने की कोशिश की गई है। अब हम इसी संविधान काव्य की प्रस्तुति संगीतात्मक रूप में करने जा रहे हैं। आशा है कि आप सभी लोग इस संविधान काव्य से जरूर लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। संविधान की उद्देशिका प्रीएम्बल। हम भारत के लोग आज ये संविधान अपनाते हैं। समाजवादी धर्म निरपेक्ष राष्ट्र को गले लगाते हैं। हम भारत के लोग आज ये संविधान अपनाते हैं। मिलेगा हर तरह का न्याय, बोलने की आजादी मिलेगी, समानता सबका देश की जो आबादी। हम भारत के लोग आज ये संविधान अपनाते हैं। बंधुता बढ़े हर एक से, हर व्यक्ति इज्जत पाए, राष्ट्र हमारा रहे अखंड, एकता बढ़ती जाए। 26 नवंबर 1949 दृढ़ निश्चय हम करते हैं। संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं। भाग एक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। सब राज्यों को मिलाकर भारत एक संघ होगा, चाहे तो नव राष्ट्रों का मिलन विधि सम्मत होगा। संसद चाहे नए राज्यों का निर्माण कर सकती, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन भी कर सकती है। सब राज्यों को मिलाकर भारत एक संघ होगा। भाग दो, नागरिकता सिटीजनशिप। भारत में रहने वाला व्यक्ति भारतीय कहलाता है, बाहर से आ बसे भारत में वह भी ये हक पाता है। कोई स्वेच्छा से करे विदेशी नागरिकता स्वीकार, भारतीय नागरिकता पर वह खोएगा अधिकार। भारत में रहने वाला व्यक्ति भारतीय कहलाता है। भाग तीन, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। मानव मूल अधिकारों को महत्वपूर्ण बतलाया है,
इनके विरुद्ध किसी विधि को असंगत ठहराया है। अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार है, होटल हो चाहे दुकान सबको प्रवेश अधिकार है। अनुसूचित जाति जनजाति की करनी होगी भलाई, ताकि उनकी उन्नति हो और कमी की हो भरपाई। नौकरी में धर्म जाति लिंग का नहीं होगा भेद। साफ साफ शब्दों में समझाता 16 अनुच्छेद। समाज के पिछड़े वर्गों को हो आरक्षण का सहारा, उन्नति करें दलित जिनका जीवन वंचित सारा। छुआछूत कलंक का अनुच्छेद 17 करे अंत, डॉक्टर अंबेडकर हुए मसीहा, मानवता के बने संत। रहे ना कोई जमींदार अब, ना नवाब ना महाराजा, पद ना होगा जन्म से खुला योग्यता का दरवाजा। प्रतियोगिता से ही मिलेगा अब पद और सम्मान, बनो डॉक्टर और कलेक्टर खूब कमाओ नाम। व्यक्त करो अपने भावों को जो चाहे सो बोलो, अन्याय से नहीं डरो तुम अपना खोलो। संघ और समूह बनाना है सबका अधिकार, शांतिपूर्ण करो सम्मेलन जो हो बिना हथियार। सारा भारत देश तुम्हारा कहीं भी जा सकते हो, कोई जगह पसंद आए वहाँ भी रह सकते हो। बनो वकील या व्यापारी, करो कोई भी कारोबार, अनुच्छेद 19 देता है तुमको ये सारे अधिकार। जब तक सिद्ध नहीं हो दोष, दोषी नहीं कहलाओगे, बेगुनाह साबित होने के सब अवसर तुम पाओगे। करेंगे गिरफ्तार, 24 घंटे में छोड़ेंगे गिरफ्तारी यदि बे आधार। कोई बच्चा न करे मजदूरी, मजदूर ना करे बेगार, यदि कोई भी करे उल्लंघन जाना होगा कारागार। नन्हे नन्हे से बच्चे नहीं करे खान में काम, सरकार उन्हें देगी शिक्षा ताकि बने बड़े इंसान। किसी भी धर्म को मानो या उसका प्रचार करो, अपने बनाओ संस्थान, संचालन का काम करो। कर से होता मुक्त है धार्मिक कार्यों का प्रबंध, सरकारी स्कूलों में है धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। बौद्ध मुस्लिम सिख ईसाई अल्पसंख्यक है ये भाई, अपने धर्म लिपि भाषा की कर सकते हैं पढ़ाई। मूल अधिकार बहुत जरूरी प्रजातंत्र का सार, इन सब की गारंटी देता संवैधानिक उपचार। छीने यदि कोई अधिकार रिट दायर करवाओ, न्यायालय से लो आदेश लागू उसे कराओ। शस्त्र बलों व आईबी में बहुत जरूरी अनुशासन, अधिकारों में अल्प कटौती कर सकता है शासन। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
संविधान सब राज्यों को देता है निर्देश, जनता के कल्याण की व्यवस्था करें विशेष। संविधान सब राज्यों को देता है निर्देश, जनता के कल्याण की व्यवस्था करें विशेष। सामाजिक असमता कम हो, घटे आय का अंतर, सभी क्षेत्र करें विकास, अवसर मिले निरंतर, स्त्री पुरुष सबको मिले आजीविका के साधन, सामूहिक हित हो जिसमें बांटो सब संसाधन, एक हाथ में केंद्रित ना हो उत्पादन के साधन, नर नारी यदि करें कार्य तो मिले समान ही वेतन, कार्मिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे सरकार, स्त्री पुरुष बच्चे न करें हानिकारक रोजगार। संविधान सब राज्यों को देता है निर्देश, जनता के कल्याण की व्यवस्था करें विशेष। सब बच्चे उन्नति करें, मिले माहौल अनुकूल, शोषण उनका ना होए कभी न जाना भूल, न्याय सर्वजन को मिले अपराधी या सुशील, कोई बहुत गरीब हो तो मुफ्त में मिले वकील, गांव में निश्चित करें पंचायत का गठन, जनता को शक्ति मिले लगे विकास में धन, बूढ़ा हो बेकार हो असमर्थ या बीमार, सहारा इनको भी मिले कुछ मदद करे सरकार, अच्छा सुविधाजनक हो कार्यालय में काम, गर्भवती महिलाओं को मिले विशेष आराम, जीवन का स्तर सुधरे चहुमुखी होए विकास, बेकारों को मिले काम सुविधा और अवकाश, उद्योगों के प्रबंध में हो मजदूरों का हाथ, सहकारी समिति का स्वरूप हिले साथ ही साथ, सब नागरिकों के लिए जो देश में करें निवास, समान सिविल संहिता का किया जाए प्रयास। नन्हे बच्चों को मिले शिक्षा और सुरक्षा, बने सभ्य नागरिक वे जीवन हो अति अच्छा, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है सबसे दुर्बल, अन्यायों पर लगे रोक मिले शिक्षा और धन बल, मिले विटामिन पोषक तत्व उच्च स्तरीय जीवन, स्वास्थ्य सेवा में हो सुधार रुके नशे का सेवन, वैज्ञानिक तकनीकों से बढ़े कृषि और पशुपालन, सुधरे नस्ल पशुओं की वध निषेध का हो पालन, पर्यावरण सुरक्षित रखो करो जीवन का रक्षण, वृक्ष लगाओ करो हरियाली वन जीवों का रक्षण, स्मारकों की करें सुरक्षा रखें विशेष ध्यान, इतिहास रहेगा सुरक्षित बढ़ेगा सबका ज्ञान, प्रशासन का न्यायालय में ना हो कोई दखल, न्यायपालिका रहे स्वतंत्र न्याय मिले प्रतिपल, सब देशों के बीच में रहे सुरक्षा शांति, आपस में आदर बढ़े मिटे परस्पर भ्रांति, संविधान सब राज्यों को देता है निर्देश, जनता के कल्याण की व्यवस्था करें विशेष। भाग चार का
मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान का करें पालन, झंडे का करें सम्मान, इसके आदर्शों को माने, आदर से करें राष्ट्रगान। संविधान का करें पालन, आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करें, देश की प्रभुता अखंडता के रक्षक का काम करें, राष्ट्र की सेवा वैज्ञानिक हो दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन का काम करें, सार्वजनिक संपत्ति का कभी नहीं नुकसान करें, खुद ऊंचाइयों को छू ले, लोगों को भी बढ़ाएं, राष्ट्र निरंतर बढ़े आगे, सभी सफल हो जाएं। माता पिता या संरक्षक, प्रथम काम ये करवाएं, चाहे गरीबी हो घर में, बच्चे को शिक्षा दिलवाएं। संविधान का करें पालन। भाग पांच, संघ, द यूनियन, कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव। राष्ट्रपति भारत सरकार में सर्वोच्च अधिकारी होगा, जल थल वायु सेना का वह शीर्ष अधिकारी होगा। राष्ट्रपति भारत सरकार में सर्वोच्च अधिकारी होगा, जल थल वायु सेना का वह शीर्ष अधिकारी होगा। संसद विधान सभाओं द्वारा राष्ट्रपति चयनित होगा, 5 साल का कार्यकाल जिनका नियमित होगा। नागरिक हो भारत का, आयु 35 से कम ना हो, सांसद बनने लायक हो, कोई लाभ का पद ना हो। मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनका शपथ ग्रहण होगा, संविधान की रक्षा और अनुपालन का प्रण होगा। राष्ट्रपति यदि संविधान की अवहेलना करते हैं, संसद सदस्य उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं। संसद द्वारा दोषारोपण महाभियोग कहलाता है, दोष सिद्ध होने पर उनको पद से हटाया जाता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च है पर संसद है उनसे ऊपर, राष्ट्रपति संसद न्यायालय संविधान सबसे ऊपर। राष्ट्रपति यदि हो असमर्थ, अनुपस्थित या हो बीमार, भारत के उपराष्ट्रपति देखेंगे उनका कार्यभार। संसद के 2 सदन करे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, संविधान के प्रति वे लेंगे श्रद्धा निष्ठा के वचन। राष्ट्रपति कर सकते हैं किसी भी सजा को कम, दे सकते हैं माफी भी या फिर सजा का निलंबन। राष्ट्रपति की मदद हेतु 1 मंत्रिपरिषद होगी, समुचित कार्यवाही हेतु जो अपनी सलाह देगी। महामहिम को सलाह का पालन करना ही होगा, इस सलाह की अनदेखी संभव काम नहीं होगा।
मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, लोकसभा के प्रति भी मंडल की जिम्मेदारी होगी। मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, प्रजातंत्र में वह व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है। एक महान्यायवादी होगा भारत सरकार में नियुक्त, सरकार को विधि संबंधी सलाह वो देगा उपयुक्त। सरकार सब काम करेगी राष्ट्रपति के नाम से, उनको अवगत भी कराएगी सरकार के काम से। संसद पार्लियामेंट। संसद भारत देश की सबसे बड़ी संस्था होगी, नए कानून बनाने हेतु उसकी ही क्षमता होगी। तीन भागों से होता है भारतीय संसद का गठन, सर्वप्रथम है राष्ट्रपति फिर संसद के दो सदन। राज्यसभा के सदस्यों का राज्य ही करें चयन, कुछ विशेष लोगों का किया जाता है मनोनयन। प्रत्येक 5 साल में होता लोकसभा का चुनाव, यही लोकतंत्र का जादू जब लोग करें बदलाव। राज्यसभा में नियुक्ति हेतु उम्र चाहिए 30, लोकसभा में आने हेतु पूरे करें 25। राष्ट्रपति समय समय पर करेंगे संसद में बैठक, दोनों सदनों में अभिभाषण का होगा उनका हक। लोकसभा शीघ्र चुनेगी अपना एक अध्यक्ष, लोकसभा के संचालन में होगा वह अति दक्ष। संसद के सब सदस्यों को लेनी होगी एक शपथ, संविधान का करेंगे पालन अपनाएंगे उसका पथ। सांसद नहीं बने रहेंगे यदि हो विकृत मानसिकता, हो जाए दिवालिया या त्यागे देश की नागरिकता। सांसद सदन में बोलें या रखें स्वतंत्र विचार, वाणी की स्वतंत्रता ही है संसद का मुख्य आचार। संसद बनाएगी कानून और पास करेगी बिल, दोनों सदनों की सहमति।